यार मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड आई कैन अग्री कि बहुत डिफिकल्ट होता है। नीट एग्जाम एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, प्लस बोर्ड एग्जाम में भी तुम्हें अच्छा स्कोर करना होता है, क्योंकि तुम्हारा पीयर प्रेशर भी रहता है और तुम्हारे अंदर से भी रहता है कि नहीं यार मैं नीट के लिए अगर कर रहा हूँ तो बोर्ड तो मुझे निकालने ही किसी भी हाल में, एक सेल्फ ईगो भी रहता है। आई गेस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्या तुम्हारे टारगेट्स होने चाहिए, तुम बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज कर सकते हो, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्या राइट रिसोर्स होना चाहिए। क्योंकि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि इस बैच से हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यहां पर हम कोचिंग करते हैं, हमें राइट रिसोर्स बता दो, कहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि हमारा बोर्ड्स भी सही हो जाए और नीट भी सही हो जाए, और हम कैसे पढ़े, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, कब तक हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, सारी क्वेरीज का आंसर इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बस मैं तुम्हें ये कहती हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, वो भी एंड तक देखना, क्योंकि मैं अपनी जेन्युइन टिप्स बताने वाली हूं। क्योंकि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 98 मार्क्स स्कोर करे हैं 100 में से, अपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में, प्लस अपने नीट एग्जाम में भी मैंने 330 मार्क्स स्कोर करे हैं बायो के अंदर। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे सीधे बात करते टू द पॉइंट। देखो दिसंबर से पहले जब तुम्हारा बायो कंप्लीट हो जाएगा ना, 11th एंड 12th दोनों का, तो तुम्हारे अंदर ना सडनली एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि तुमने नीट के सिलेबस में हाफ सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मतलब 50% जो वेटेज बायो का आता ना पेपर में वो तुम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा सबसे पहली बात। ऊपर से दूसरा रीजन ये है कि दिसंबर से पहले हमें क्यों बायो कंप्लीट करना है, ताकि हम मार्च और अप्रैल, क्योंकि देखो नीट एग्जाम के लिए मार्च और अप्रैल तुम्हारे पास रहेगा हाथ में, जिसके लिए तुम डेडिकेशन के साथ में सिर्फ नीट को दोगे, बाकी का जो टाइम होगा तुम्हारा बोर्ड्स में, तुम्हारा जो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, इनके अंदर तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो अगर तुम नीट और बोर्ड्स दोनों के साथ में प्रिपरेशन करो ना, तो सबसे पहले बायो को पकड़ो, क्योंकि मैं जानती हूँ बायो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, बायो कवर भी जल्दी होगा, कॉन्फिडेंस भी जल्दी देगा और दिसंबर से पहले पहले कवर हो जाएगा। तो देखो टोटल तुम्हारे पास 32 चैप्टर बायो के अंदर, 11th और 12th दोनों को मिलाकर 16-16 चैप्टर में हम डिवाइड करते हैं। 2 महीने में बायो करना इजी है, बहुत आसान है। मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि एक हफ्ते में सिर्फ तुम्हें बायो के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, तो इजीली तुम्हारा बायो नवंबर दिसंबर 2 मंथ में बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग के साथ कंप्लीट हो सकता है। नवंबर का जो मंथ होगा उसमें तुम्हें 11th पे ज्यादा फोकस करना है और दिसंबर के मंथ में तुम्हें 12th पे ज्यादा फोकस करना है। नवंबर के मंथ में 11th पे इसलिए फोकस करने के लिए कह रही हूँ, 12th कम करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि यार देखो 12th के अंदर वाइवा हमें देना है, तो उसके लिए हमें ना चीजें याद होनी चाहिए, ऐसा ताजा ताजा पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए दिसंबर के मंथ में तुम्हें 12th करने के लिए कह रही हूँ, ताकि वहां पर चीजें ताजा ताजा पढ़ी हुई होंगी तो चीजें दिमाग में रहेंगी और वाइवा के लिए अलग से तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th का हम सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट करेंगे, नॉट ऑल द चैप्टर्स, मैं तुम्हें स्प्लिट बताती हूँ कैसे कैसे हमने किया है। 16 चैप्टर हम नवंबर में लेंगे, जिसमें से हम 13 और 3 का ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं, 13 चैप्टर तुम 11th के पढ़ोगे और 3 चैप्टर तुम 12th के पढ़ोगे। अब ये जो 3 चैप्टर जो तुम 12th के चूज करोगे, कोशिश करना एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हो, रट्टाफिकेशन वाले नहीं हो। रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हम बहुत शॉर्ट टाइम तक ही रिमेंबर रख सकते हैं, भूल जाओगे, इसलिए दिसंबर के टाइम पर हम रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें करेंगे, क्योंकि जनवरी में हमें वाइवा देना है, इसलिए हमें ताज़ा ताज़ा पढ़ी रहेंगी तो याद भी रहेगा। इसलिए कह रही हूँ कि जो 12th के 3 चैप्टर्स चूज करो नवंबर में, वो चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए और बाकी के 13 चैप्टर तुम्हारे 11th के हो जाएंगे। तो प्लस 7 के 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करते जाना है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। अब तुम इसको ये समझना बंद कर दो कि नीट की बायो है और ये 12th की बायो, दोनों कुछ अलग अलग नहीं है, सेम चीज है, सेम एनसीईआरटी बुक है, सेम वैसे ही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं करना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस है। मेन तुम्हें अपना पेपर प्रेजेंटेशन रखना है खाली 12th बोर्ड्स के लिए, और मेनली तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करोगे ना, मैं कहती हूँ तुम्हें लिख कर देती हूँ कि 12th बायो के अंदर बोर्ड एग्जाम में कोई है ही नहीं जो तुम्हें इसमें अच्छा स्कोर करने से रोक दे। बोर्ड एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम बड़ा इजी हो जाता है फिर तो। मैं तुम्हें एक बुक रेकमेंड करती हूँ जिसमें तुम बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली नीट के लेवल के क्वेश्चंस और साथ में एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उठाया हुआ है। दिस बुक इज मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर एनके शर्मा। इस बुक के अंदर तुमको ना एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आज चैप्टर का जो भी तुमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक वाइज तुम्हें इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो कि तुमने क्लास 11th की बायोलॉजी में 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली, यूनिट कंप्लीट करने के बाद तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये तो तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी करना जरूरी है, बोर्ड्स में भी तुम्हारे एआर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन तुम्हें इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो इस बुक में तुम्हारे पास एक सेक्शन आता है अलग से, जो कि कलरफुल सेक्शन होता है, आई विल शो यू दिस फैट एमसीक्यू, ऐसे फैट एमसीक्यू करके आता है। तो यहाँ पर जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर ज्यादा जोर दिया गया है इस वाले सेक्शन के अंदर, प्लस असर्शन रीजन पे ज्यादा जोर दिया गया है, मैच द फॉलोइंग पे ज्यादा जोर दिया गया है। जो सबसे बेस्ट चीज है कि जैसे
जैसे तुम्हारी कोई यूनिट कंप्लीट हो जाती, तो यूनिट वाइज तुम्हें ऐसे चैप्टर्स में कोई ऐसी सी बातें होती है एनसीईआरटी की जो हो सकता है तुम्हारे भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज यहाँ पर वो लाइंस निकाल के रखी हुई है एनसीईआरटी की, कौन सी लाइंस तुम भूल सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो ये लेट्स वी फॉरगेट करके एक सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, वो लाइंस को एक बार रीड कर लोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यार ये एनसीईआरटी की लाइंस है जो मुझे कभी भूलनी नहीं है। ये बुक मेरी तरफ से 10/10 है बिल्कुल। अगर तुम परचेज करना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रही हूँ, एक गूगल फॉर्म का लिंक भी है जो तुम फिलआउट कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में अब नवंबर में 16 चैप्टर कवर करने हैं। पहले तुम अपने लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, अगर तुमने डिटेल लेक्चर कभी देख नहीं रखे हैं, देख रखे हैं तो कोई बात नहीं, जो कम ड्यूरेशन वाले रिविजन लेक्चर्स होते हैं सिर्फ उनको देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेक्चर्स में हमारा बहुत टाइम चला जाता है। और अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं यार डिटेल वाले लेक्चर मिल जाए लेकिन वो भी कम ड्यूरेशन के अंदर, तो मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं पढ़ाती हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ, वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, जाकर अच्छे से देख लेना, मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए, बहुत 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 बेनिफिशियल प्लेलिस्ट है तुम्हारे लिए, वो देख सकते हो। प्लस तुम अपने नोट्स कर लो, नोट्स अगर बनाए हुए तो ठीक है, अदरवाइज सीधे एनसीईआरटी ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में जो टीचर बता रहा है उसके साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ और अपनी एनसीईआरटी रीड कर लो, प्लस यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अपनी एंड यू आर डन। तो पीवाईक्यूज की बुक भी तुम आराम से ले सकते हो, कोई भी जो भी तुम्हें बेटर लगे वो पीवाईक्यूज तुम ले सकते हो, स्पेशली नीट के लिए, नीट का तो छोड़ना ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम्हारे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन होने लग जाएंगे जब तुम नीट लेवल की पढ़ाई कर लोगे। काफी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि हम बीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ नीट भी कर रहे हैं, तो तुम्हें बीएससी के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम नीट कर लो, मैं तुम्हें गारंटेड कहती हूँ, तुम नीट अच्छे से कर लोगे ना तुम्हारे बीएससी के सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, चाहे तुम बीएससी के साथ नीट कर रहे हो चाहे तुम बोर्ड्स के साथ नीट कर रहे हो, तुम्हें मेनली फोकस रखना है अपने आंसर प्रेजेंटेशन पे, वो इतना बेस्ट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, तुम्हें खुद ही नहीं लगना चाहिए कि यार कि अलग अलग एग्जाम है, तुम्हारी नॉलेज हर जगह काम आनी चाहिए दोनों के एग्जाम के अंदर, ठीक है। और फिर दिसंबर के मंथ में भी तुम्हें 16 चैप्टर उठाने हैं, 16 चैप्टर को स्प्लिट करना है 10 और 6 में, अब की बार 10 चैप्टर तुम्हें 12th वाले उठाने हैं और 6 चैप्टर तुम्हें 11th वाले उठाने हैं। जो 10 चैप्टर में 12th के उठाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिसंबर का मंथ जो है ना वो हमारे बोर्ड एग्जाम के काफी करीब वाला मंथ है, तो इस टाइम पर हमें ज्यादा से ज्यादा 12th का कंटेंट पढ़ना है जितना हो सकता है। अगेन सेम धर्रे से लेक्चर देख लो अगर नहीं देखे हुए तो, और देख रखे ऑलरेडी तो रिविजन लेक्चर देख लो, रिविजन लेक्चर भी नहीं देखने तो तुम्हारे एनसीईआरटी नोट्स जो भी तुमने बना रखे हैं रीड करो, एनसीईआरटी किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, ये चीजें तो इन्वॉल्व होनी चाहिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए ट्राई करो कि तुम एक मंथ में 2 या 3 ऐसे पेपर्स उठा लो जहां पर तुम्हें आंसर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, सबसे बेस्ट रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लेना बोर्ड एग्जाम वाले और वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर को राइट करने की कोशिश करना, बस वही तुम्हें सबसे ज्यादा जोर रखना उसी की प्रैक्टिस के ऊपर, और वो भी ज्यादा नहीं, एक मंथ में 2 या 3 ही पेपर करने, ज्यादा नहीं करना है, मेनली तुम्हें इस पे फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, एआर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें बोर्ड और नीट दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। ये टाइम बहुत क्रूशियल चल रहा है एंड साथ में डिस्ट्रैक्टिंग टाइम भी चल रहा है क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, लेकिन खुद को इतना पुश करना है कि तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए और अपनी मंजिल तक तुम पहुंच जाओ। बहुत 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 आसान है, मैं कह रही हूँ ना, नीट और बोर्ड्स दोनों अलग अलग एग्जाम नहीं है, इट इज सेम, लोग टॉपर्स बन रहे हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स आ रहे हैं, रैंकर्स को सोचो तुमने, उसने तो सारे क्वेश्चंस को सही करा होगा, 720 out of 720 लेकर आ रहा है वो, तो तुम क्या इतना सा भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी कम है, बिल्कुल कम नहीं है, मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ तुम्हारे अंदर कोई कैपेसिटी कम नहीं है। तुम अगर अपने दिमाग से ये चीज निकाल के फेंक दोगे ना आज की ये 2 अलग अलग एग्जाम है, उसी दिन तुम्हें ईजी लगने लग जाएंगी चीजें, ईजी लगने लग जाएगा सब कुछ, तो खुद को बार बार बताने के लिए कॉमेंट्स में लिख कर जाना येस इट इज ईजी एंड आई कैन डू इट, येस इट इज ईजी एंड आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई नो, आई हैव अ फेथ ऑन यू। कॉमेंट्स में लिखना मत भूलना एंड मेरी बायो की प्लेलिस्ट तुम रेफर कर सकते हो, मैं केमिस्ट्री भी इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस यहाँ पर स्टडी टिप्स और भी बहुत सारी आती रहती है, तुम्हारी जो भी क्वेरीज है मुझे कॉमेंट्स में जरूर लिख जाना, मैं कॉमेंट्स हमेशा तुम्हारे रीड करती हूँ और मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी कि बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम को कैसे मैनेज करना है, बायो पहले कवर कर लो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगी इस वीडियो को एंड करने के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑन दैट नोट एकता सोनी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।